देश की बेटियों ने इतिहास रचा है। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का भारत पर कब्जा हो गया है। इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। बीसीसीआई ने 5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। दक्षिण अफ्रीका में मुकाबले में भारत को इंग्लैंड से 69 रन का लक्ष्य मिला था। त्रिशा और सौम्या ने 24-24 रन बनाकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। पार्श्वी चोपड़ा और अर्चना ने 2-2 विकेट लिए। पूरे विश्व कप में सिर्फ 1 मैच टीम इंडिया हारी। ये बड़ी उपलब्धि है। भारत ने कब्जा किया है। अंडर 19 T20 चल रहा था, 7 विकेट से हरा दिया है इंग्लैंड को। देश की बेटियों ने यह इतिहास रचा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भारत ने कब्जा किया है। इस पर भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया है। यह मैच होना था, पूरे देश में खुशी का माहौल है। यह पहली बार है जब अंडर 19 वुमेन्स मैच जीती है टीम इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए बधाइयां दी है और 5 करोड़ की रकम का ऐलान भी किया गया है जय शाह की ओर से इसके लिए मैच जीतने पर। तो ये बहुत शानदार उपलब्धि जहां देश की बेटियों ने ये इतिहास रचा है। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया और उसके बाद की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां बेहद भावुक और गौरवान्वित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कप्तान सैफ अली के परिवार वालों ने भी इस खुशी पर, इस खबर पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये बेहद अविश्वसनीय है, लेकिन लगातार देश की बेटियां हैं वो इसके लिए प्रयास कर रही हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।